इसकी पहली डिलीवरी है, मेरी बेटी के समान है। आप घबराइए नहीं, लूसी इसे ले चलो। जी सिस्टर। मुझे चिंता हो रही है, आप इसको संभालिएगा। सिस्टर आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ, वो आ रही हैं। सीमा 19 साल, पति का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, पति का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम। क्या हुआ, क्या किया आपने इसके साथ? मैंने तो सिर्फ इसके पति और पिता का नाम पूछा था। देखिए, न इसका पति है और न पिता, आइंदा ऐसा सवाल मत करिएगा। सीमा, सीमा, सीमा बेटे होश में आओ। सीमा, सीमा, सीमा होश में आओ बेटे। ले 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 ले, कितना प्यारा बच्चा है मेरा नन्हा सा गोलू। कैसी है सीमा? कितनी अच्छी है दीदी, कितने प्यार से बोलती है। सिस्टर क्या हुआ उस लड़की का, उसे डिस्चार्ज कीजिए। डॉक्टर उसे कुछ दिन और यहाँ रहने दीजिए, उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ओके, जैसा ठीक समझो। सुनो, तुम्हारी सिस्टर तुम्हें लेने आई थी, डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज करने वाली थी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक सप्ताह की इजाजत मांगी और मिल गई। सीमा, सीमा, मैं ऐसा ही बोला करती थी। कब? जब समीर रेस में फर्स्ट आता था। समीर? कौन समीर? मेरा फ्रेंड था, बचपन का दोस्त। हम बड़े होने लगे, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मेरे माँ बाप नहीं हैं, सोचा था मेरा भविष्य उसके साथ सुधर जाएगा, पर मेरा सपना चकनाचूर हो गया। एक बार हम एक होटल में ठहरे, कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उसे बताया, वो पता नहीं कहाँ चला गया, फिर आज तक उसे देखा नहीं। सिस्टर, मैंने तो उससे प्यार किया था, वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं क्यों जीऊंगी, किसके लिए जीऊंगी? वो मुझ अनाथ के साथ ऐसा क्यों किया? सीमा, मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ। मैंने भी एक लड़के से प्रेम किया, लेकिन उसके पापा ने उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और करा दी। मैं बिल्कुल टूट गई थी, ईश्वर ने मुझे संभाला, मैंने शादी की और आज एक बच्चे की माँ हूँ और बेहद खुश हूँ अपनी जिंदगी से। यस सीमा, आई एम हैप्पी। दीदी, क्या मैं भी? हाँ सीमा, क्यों नहीं। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, क्या तुम उसे नहीं देखते?